गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास में अभी तक हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपके सिलेबस में हम लोगों को चार टॉपिक पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑलरेडी हम लोग दो टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस का थर्ड चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बायोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन शब्द का मीनिंग होता है कि सब्सटेंस का बॉडी के अंदर एक पार्ट में एब्जॉर्ब होना और उसका दूसरे पार्ट में उसी बॉडी में मूवमेंट होना, ट्रांसपोर्ट होना, जिससे कि दूसरी जगह पर सेल्स को जो भी रिक्वायरमेंट वो मिल सके और सेल्स उससे इनर्जी ड्राइव कर सके। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग के केस में हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो फूड जाता है, मैक्सिमम और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्ब होने के बाद अब बात आई फूड कहाँ जाता है, इसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है दे एब्जॉर्ब थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू ये पहुंचते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और डिफरेंट बॉडी सेल्स के अंदर। बॉडी सेल्स के अंदर इनका कंप्लीट होता है ऑक्सीडेशन और जहां पर एनर्जी ड्राइव होती है और जो हमारे बॉडी के काम आती है। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। क्लियर? तो बायोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ कि सब्सटेंस का एक बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब होना और उसी बॉडी के अंतर्गत विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न सेल्स में ट्रांसपोर्ट होना। क्लियर? अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आपके कोर्स में मेनली हम लोग देख रहे हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। जैसे मैंने आपको बताया था, अमीबा न्यूट्रिशन लेता है थ्रू डिफ्यूजन, रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन, सेम वे ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। क्लियर हो गया? अब इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन प्रेशर इतना सफिशियंट नहीं होता है कि वो डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में उस प्रेशर से सारा का सारा मटेरियल है, जो भी फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी सब्सटेंसेस है, वो डिफरेंट सेल्स में पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रकार के सिस्टम काम करते हैं, डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। क्लियर? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इतनी बात क्लियर हुई? सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को देखना है सर्कुलेटरी मीडिया, कौन कौन से मीडिया होते हैं जिसकी सहायता से सब्सटेंस मूव करता है, और दैट मीडिया ब्लड एंड लिम्फ। उसके बाद आता है कि उसमें कौन कौन से सर्कुलेटरी वेसल्स होती हैं। तो वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लियर? अब उस सर्कुलेटरी मीडिया को पंप करने के लिए, उसको भेजने के लिए एक पंप की जरूरत होती है, दैट इज हार्ट। क्लियर हुआ? तो हम लोगों को देखना है सर्कुलेटरी मीडिया दैट इज ब्लड एंड लिम्फ, सर्कुलेटरी वेसल्स दैट इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, एंड थर्ड दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हार्ट दैट इज पंपिंग ऑर्गन। क्लियर हुआ? तो हम लोग पहला देखते हैं सर्कुलेटरी मीडिया में। सर्कुलेटरी मीडिया में हम पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्लड। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, नंबर वन प्लाज्मा एंड नंबर टू ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा अप्रोक्सीमेट 60% ऑफ ब्लड का पार्ट होता है और ब्लड सेल्स में अप्रोक्सीमेट 40% ऑफ ब्लड, यानी टोटल ब्लड का 60% पार्ट प्लाज्मा हुआ और उसका 40% पार्ट हुआ ब्लड सेल्स। इतनी बात क्लियर हुई? फिर समझ लीजिए कि आपने अगर ब्लड लिया, 100 ml ब्लड लिया, तो अप्रोक्सीमेट लगभग उसमें 60 ml प्लाज्मा का पार्ट होगा और 40 ml उसमें जो पार्ट होगा ब्लड सेल्स होगी।
अब क्या क्या होगा ये अभी मैं आपको बताता हूं। अब जो भी प्लाज्मा का पार्ट है, ठीक, प्लाज्मा में मेनली 90% वाटर होता है, बात क्लियर हो गई। उसके बाद उसमें हॉर्मोन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, जो भी आपके सॉल्ट होंगे, सारा मटेरियल किसमें होगा, प्लाज्मा में होगा। क्लियर हो गया। प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन होता है कि ये मटेरियल जो होते हैं, ये मटेरियल फूड, साल्ट, हॉर्मोन्स और जितने मिनरल्स, ये सारे जो मूवमेंट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, थ्रू प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज आल्सो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। इतनी बात क्लियर हो गई। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा का फंक्शन दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स, ये जितना मटेरियल है इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है थ्रू प्लाज्मा हो रहा है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्लियर। सेकेंड वन इज ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद ल्यूकोसाइट का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए मींस नॉट, ए मींस नॉट, जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं, ऐसी सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं दैट इज कॉल्ड ए ग्रेनुलोसाइट। और यहां पर दो प्रकार के हुए, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। क्लियर। ऐसी सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ये फिर तीन प्रकार के हुए, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट हुआ एंड थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स। इतना पार्ट हमें ब्लड के अंदर देखने हैं, ब्लड प्लाज्मा का, ब्लड सेल्स के अंदर का। उसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा हमारा लिम्फ्स। क्लियर। उसके बाद ब्लड वेसल्स एंड देन लास्ट इज हार्ट। तो हम ब्लड के बारे में अभी यहाँ पे देखेंगे, प्लाज्मा का बात हो गई, अब हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग अब ब्लड सेल्स की बात करेंगे। प्लाज्मा भी खत्म हुआ है, ब्लड सेल्स, फर्स्ट वन इज आरबीसी, इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पस्कल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स दैट इज आरबीसी। क्लियर हुआ। आरबीसी जो होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आरबीसी होते हैं दीज आर डीन्यूक्लिएटेड, डीन्यूक्लिएटेड क्या मतलब हुआ इसका, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, ऐसी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड ओनली, न्यूक्लिएटेड, आंसर इज नो न्यूक्लियस, डीन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो है कि इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। न्यूक्लियस ना होने से मान लो कि आरबीसी है, ठीक, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। मैंने आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाया तभी बताया था, यहां पर आप समझिए हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है और यह बनाता है HbO2, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये मान लीजिए आरबीसी है, ये बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों को क्या देखना है, आरबीसी डीन्यूक्लिएटेड होता है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस न होने की वजह से हीमोग्लोबिन को ज्यादा स्पेस मिल जाता है आरबीसी के अंदर, जिससे भी वो
ऑक्सीजन को बाइंड कर सके। मैक्सिमम हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो पाए, उसको स्पेस ज्यादा मिल जाता है। ये एक बेनिफिट होता है हीमोग्लोबिन के लिए आरबीसी में न्यूक्लियस ना होने। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसीआर न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड। आंसर इज नॉन न्यूक्लिएटेड। एंड देन व्हाई इज दैट नॉन न्यूक्लिएटेड डीन्यूक्लिएटेड? देन आंसर इज बिकॉज दिस हीमोग्लोबिन टेक्स मोर स्पेस फॉर ऑक्सीजन टू बाइंड। अब मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो होता है आपने इनहेल किया ऑक्सीजन, मान लीजिए एल्वेओलाई है, यहां ऑक्सीजन आपको ये ऑक्सीजन आ रही है आपको लंग्स से थ्रू लंग्स, ठीक है। यहां पर इसके अंदर ये रहती है ब्लड वेसल्स, इसको आप समझ लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स में क्या हुआ? ब्लड होगा, क्या हुआ? ब्लड। इस ब्लड में क्या हुआ? आरबीसी। इस आरबीसी के अंतर्गत क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो यहां पर होगा आपका ये हीमोग्लोबिन। ये बात क्लियर हो गई? ये जगह से ब्लड आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये यहां पर ऑक्सीजन आके इस हीमोग्लोबिन से बाइंड करके और ये बनाएगा आपका यहां पर एसबी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाके यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये एल्वियोलाई होता है, ये होता है लंग्स एल्वियोलाई। क्लियर हो गया? यहां से ऑक्सीजन आया ब्लड वेसल्स में जाके और ये इस तरह से हीमोग्लोबिन से बाइंड किया। तो जो मैं आपको बता रहा था एक्चुअली ब्लड के अंदर आरबीसी होगा, मैं मोर इंपॉर्टेंट जो ब्लड का रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ब्लड का रेड कलर होता है, रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन। इतनी बात क्लियर हो गई? आरबीसी का मेन काम हीमोग्लोबिन इसके अंतर्गत होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति इसकी अफिनिटी ज्यादा होती है और ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है डिफरेंट सेल्स में ले जाता है ऑक्सीजन को बाइंड करके, वहां पर ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है और फिर ऑक्सीजन सेल्स के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में जो भी आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जब उसमें हो रहा होगा तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और वहां पर जाके ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होता है। क्लियर हुआ? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी, आरबीसी का रोल्स फंक्शन, आरबीसी के मेनली फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उधर से आएगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन लाना और CO2 को लेके आना जो हम एक्सहेल करते हैं। हमने सांस ली ऑक्सीजन अंदर, सांस छोड़ी CO2 बाहर, फिर वही सिस्टम आ जाता है। यहां पर अभी ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, यहां पर जब टिश्यू से आएगी तो CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यहां CO2 आएगा, इधर ये ऑक्सीजन आ रही है और ये इधर से CO2 बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। क्लियर? ये एक प्रोसेस होता है। कितना बात क्लियर हुआ? अब हम जाएंगे सेकेंड सेल्स, इंपॉर्टेंट सेल्स दैट इज WBC। एक चीज और यहां पर आपका छूट गया, वो ये होता है कि आरबीसी जो है, आरबीसी सेल्स में बनते कहां हैं? बॉडी में। चलिए आरबीसी जो है बोन्स के अंदर, बोन्स में एक जगह होती है बोन मैरो, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, सिंथेसाइज होता है और इसकी लाइफ साइकिल भी होती है। लाइफ साइकिल मींस एक आरबीसी बनने के बाद लगभग 120 डेज बाद, एक दिन बाद ये आरबीसी ड्रॉस्टोय ऑटोमेटिक हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। बोन मैरो मोस्टली जो है रिब्स, जो है रिब्स के बोन मैरो में ये बनती है आरबीसी। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे दैट इज WBC। WBC
डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीटी इसको फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और डब्ल्यूबीसी। इसको हटाइए ऐसे, अभी मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी को हम कैटेगराइज करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, क्लियर, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स। इनमें मेनली आता है आपका मोनोसाइट, क्या आता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, क्लियर। ग्रेनुलोसाइट होते हैं यहां पर आपका तीन प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इतनी बात क्लियर हो गई, डब्ल्यूबीसी में एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स। उसके बाद आया आपका ग्रेनुलोसाइट में एग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए इन सबका रोल क्या क्या होता है। मेनली जो डब्ल्यूबीसी होते हैं दे आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी, जिस तरह से आप सोल्जर मीन्स सिपाही, जिस तरह से आप देखें कि आपको, आप समझिए कि डायल हंड्रेड घूम रही है आपकी बॉडी में, सॉरी शहर में, सॉरी शहर में आपकी डायल हंड्रेड, उसका काम क्या है कि कहीं भी कोई क्राइम होता है, कोई भी असामाजिक तत्व है, कोई भी किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, तो तुरंत डायल हंड्रेड पहुंच जाती है, वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और वो देखती है कि भाई कहां गड़बड़ है, इसको तुरंत कैप्चर करो, क्लियर। उसी तरह से बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है, डिफेंस मैकेनिज्म, और वो डिफेंस मैकेनिज्म इज मेंटेन्ड बाय डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। मींस कि यदि बॉडी में कहीं भी कोई भी फॉरेन बॉडी गया, कोई भी एंटीजन गया, किसी भी वायरस ने अटैक किया, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो बॉडी को जाकर नुकसान पहुंचाएगा। ये सेल ब्लड में घूमती रहती है, सेल्स मींस डब्ल्यूबीसी, और इनका रोल होता है कि तुरंत उसको पकड़ते हैं ब्लड के अंदर, ये बैक्टीरिया घूम रहा है, और उसको इंगल्फ करना, उसको पकड़ना, उसको नष्ट करना। और कुछ इसी में डब्ल्यूबीसी इस प्रकार की हैं जो बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत आपने प्रकोप सुना होगा, कोरोना बीमारी चल रही है, इसकी क्या हो रहा है, वैक्सीन बनाई जा रही है, वायरल की वैक्सीन ही बनती है। मींस उसमें इस तरह से वायरल एंटीजन डाल दिया जाएगा शरीर के अंदर उस वैक्सीन के द्वारा माध्यम से, कि आपका शरीर उस कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता रहे, क्लियर ये बात हो गई। अगर मान लो उसके बाद भी कोरोना का किसी तरह से अटैक होता है, किसी तरह से कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, और उस एंटीजन जो कोरोना वायरस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन, उससे एंटीबॉडी से कंबाइंड हो गए और न्यूट्रलाइज हो गए, क्लियर। तो ये डब्ल्यूबीसी का जो रोल है, एक एक करके आप समझिए, मोनोसाइट्स, ये ग्रोनोसाइट और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये मोनोसाइट जो होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है, कितना समझिए आप, ये किडनी के आकार का होता है न्यूक्लियस मोनोसाइट का। और मोनोसाइट जो है ये बॉडी की फेगोसाइटिस में काम आते हैं, ठीक। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, इधर ये मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल्स, इन दोनों का काम भी होता है बॉडी में फेगोसाइटोसिस का होता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी आया, उसको इंगल्फ करके और उसको खत्म कर देना, ईटिंग ऑफ द फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडी, क्लियर। फॉरेन बॉडी मतलब होता है कि जो भी बॉडीज जो हमारे शरीर में नेचुरल नहीं है, शरीर के लिए क्या है, फॉरेन है, विदेशी लगते हैं उसको, मीन्स वो अननेचुरल है, उसको एकदम बॉडी डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करने के बाद मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स जाते हैं, उसको इंगल्फ कर लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, क्लियर हो गया। तो ये रोल है मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स का। अब आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स
मेनली दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्लियर हो गया कि इनका काम होता है कि शरीर में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। मैंने भी आपको बताया था कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो शरीर में एंटीजन को डाल दिया जाएगा, उस एंटीजन के माध्यम से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती रहेंगी। क्लियर हुआ? तो ये दिस इज द रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब आता है एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोई भी टॉक्सिन आया बॉडी में उसके खिलाफ एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग का काम होता है एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स का। अब देखिए एसिडोफिल्स का नाम इसलिए पड़ा कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म होता है एल्कलाइन इन नेचर, ठीक, लेकिन ये स्टेन लेता है, एल्कलाइन होगा तो स्टेन कैसे लेगा, एसिडिक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडोफिल्स। बेसोफिल्स इनका जो साइटोप्लाज्म होगा ये एसिडिक होगा और ये स्टेन लेगा, वो कैसे लेगा, बेसोफिल, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड बेसोफिल्स। मींस अब फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी, मैंने आपको भी बताया था डब्ल्यूबीसी का फंक्शन जो होता है मेनली सोल्जर ऑफ द बॉडी, और ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं बॉडी के अंतर्गत कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस किसी प्रकार का एंटीजन किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी अगर बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको ये तुरंत जाके डिस्ट्रॉय करेंगे। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स दे फैगोसाइट्स, में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हुआ? अब थर्ड जो हमारा था, मैंने आपको बताया आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट जो है आपने देखा होगा कि आपको कहीं चोट लग जाती है, कहीं पे आपको इंजरी हो गई, कहीं पे किसी प्रकार का शार्प ऑब्जेक्ट आपको चुभ गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, तो अब वहां पर आप देखेंगे कि ब्लीडिंग हो रही है, उस कट एंड से ब्लीडिंग हो रही है, और थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि थोड़ा आपने प्रेस करके रखा है कुछ समय बाद और ब्लीडिंग बंद हो जाती है, दैट इज क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड प्लेटलेट्स का मेन रोल जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ब्लड क्लॉटिंग मींस रुधिर का थक्का बन जाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं रुधिर का थक्का बन जाना, ब्लड क्लॉटिंग। अब जो प्लेटलेट का काम है कि इसका एक बड़ी क्लास में आएंगे, पूरा एक टॉपिक है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन इन एक्टिव फाइब्रोजन बनता है, फाइब्रिन बनाता हुआ, और इसमें यहाँ पर एक मेन रोल आता है विटामिन के का। विटामिन के भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों को जो देखना है आपके सिलेबस में वो ये है कि ब्लड प्लेटलेट्स का मेन रोल जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको आज बताया ब्लड के बारे में, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ आपका एक तरह, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें सर्कुलेटरी मीडिया हुआ ब्लड और लिम्फ, सर्कुलेटरी वेसल्स, अब सर का वेसल्स में आएगा आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरीज, और उसके बाद पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। अब हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या हुआ। तो ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स टू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद आता है कि जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सब ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में, एक सेल पे बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं और अब्जॉर्ब होते हैं और दूसरी सेल्स में जाके ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? मेनली आरबीसी का मैंने आपको रोल बताया, ठीक, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का रोल, ब्लड का फिर फंक्शन आया भाई डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू डब्ल्यूबीसी, सोल्जर ऑफ द बॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फैगोसाइटोसिस, दीज आर द मेन रोल्स ऑफ द ब्लड। अब हम देखेंगे कि जो हमारी
ब्लड वेसल्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे वो काम करती हैं। ब्लड वेसल्स क्लियर हो गया। ब्लड वेसल्स में हमारे तीन प्रकार के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। क्लियर होगा? तो पहला हम देखेंगे आर्टरीज। आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड ने, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, तो अब ये ब्लड किसके थ्रू जाएगा? थ्रू आर्टरीज। तो आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? ये पल्मोनरी आर्टरी का क्या रोल है, मैं अभी पंपिंग ऑर्गन हार्ट बताऊंगा उस वक्त बताऊंगा। आर्टरीज आपको समझना है, यहां पर आर्टरीज एक ब्लड वेसल्स है, विजाता ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? वेंस का काम है कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, मीन्स कि आर्टरी ने जो वन ब्लड ले जाके छोड़ दिया सेल्स के अंदर। डायग्राम से आप तो समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए एक आर्टरी है और ये यहां पर एक टिश्यू है और ये यहां पर मान लीजिए हार्ट, और मैं एक डायग्राम दीजिए नट से मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पर हार्ट ने ब्लड पंप किया यार, और ये तो दीज आर दिस इज कॉल्ड आर्टरी। सुखा कर दिया आर्टरी, एक सिंगल सिंगल की बात कर रहा हूं आर्टरी। अब ये हुआ आपका टिश्यू और सेल्स, उसको कहिए आप सेल्स हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर CO2 कंसंट्रेशन जो बना था सेल ने रेस्पिरेशन करके, यहां पर आपकी CO2 इधर जा रही है और ये जाके ये आ गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज लेंस। CO2 जो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हुआ अब यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। तो आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स टिश्यू और ऑर्गन में ले जाना, वेंस का काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सेल टिश्यू और ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाना। ऑल वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस। ये क्या हुआ ये मैं आपको उसमें थोड़ा डिटेल में जब हार्ट बताऊंगा तब समझ में आएगा आपका। अभी हमें आर्टरी और वेंस के बारे में समझना है। इतनी बात क्लियर हो गई कि आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं, वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आर्टरी जो है वो डीप सीटेड होती है, मतलब बॉडी के अंदर अंदर की तरफ होती है, और वेंस ये सुपरफिशियली, जो आपको ये दिखाई दे रही है दी जाता वेंस सुपरफिशियली, जो ब्लड आपने देखा होगा लैब में, आप जाते हो लेबोरेटरी में कभी, तो जो वो मेनली वीनस ब्लड निकालते हैं वेंस से, आर्टरी ब्लड बहुत कम निकालते हैं कभी कभी, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट से सीधा पंपिंग हो रहा होता है, ठीक। दूसरा कि आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत तेजी से हार्ट लगाता है तब जाके सेल और टिश्यू में जाके ब्लड पंप हो पाता है, यहां पर लेस प्रेशर होता है और ब्लड मूव हो जाता है। तीसरा यहां पर बन एक तरफ की तरफ ब्लड चलता है, यहां पर थोड़ा बाल भी होते हैं कि तरह से बैक फ्लो ना हो जाए किसी तरह से। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी वेंस। अब बात आती है कैपिलरीज, थर्ड वन कैपिलरी कहां है?
एक्चुअली क्या होता है कि ये मान लीजिए एक आर्टरी चली आपकी, एक आर्टरी चली और ये एक आर्टरी एक ऑर्गन में गई, है ना, ऑर्गन में जाकर सेल्स, तो इस सेलुलर लेवल पर यहाँ पर एक आर्टरी इसलिए एक सेल्स में जहाँ पहुंच जाती है तो ये यहाँ पर कैपिलरी कहलाती है। मीन्स है यहाँ बहुत सारी सेल्स है, मान लीजिए ये सेल है, एक ये सेल है, तो ये सेल, ये सेलुलर लेवल पर जब आर्टरी बाइफर्केट हो जाती है तो यहाँ पर कैपिलरीज कहलाती है और इनफैक्ट यहीं पर जाके सेल टू सेल ही जाके जो है ऑक्सीजन और CO2 का इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में बताया और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंपिंग ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हार्ट। थैंक यू।